ये एक अच्छी खबर है कि अपडेट देने आया तो हमें हर तरफ सफलता मिली। तो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो मैं आ गया हूँ आमस दरभंगा का अपडेट देने के लिए। मैं अभी जहानाबाद से लगभग 13 किलोमीटर अंदर गांव में हूँ। यहाँ से रोड क्रॉस करने वाली आमस दरभंगा की, ये जो सामने जो रोड देख रहे हैं मेरे पीछे, इसी रास्ते से। तो जहाँ जहाँ रोड क्रॉस करेगा वहाँ का तो वीडियो आराम से आ जाएगा। तो मट्टी उट्टी भरा ही हुआ है, चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। लेकिन टाइम टू टाइम मैं कंटिन्यू इसका अपडेट दूंगा। जो 246 किलोमीटर, जितना भी किलोमीटर हो, जितना भी कॉस्ट हो, जो भी कुछ हो, मैं टाइम टू टाइम सब कुछ बताऊंगा। अभी वर्क मैं देखने आया था तो मैं सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूं कि काम स्टार्ट हो चुका है। उस जगह पे हूँ जो है बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा। ये जहानाबाद से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे मेन हाईवे से मैं इस ट्रक के द्वारा आया। मैं थोड़ा बहुत वीडियो बनाया हूँ तो मैं वो स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। चलिए आगे का रोड दिखाता हूँ। ट्रक के चक्कों का आप दाग देख सकते हैं, लेकिन मौसम धुंध होने की वजह से मैं वीडियो क्लोज करता हूँ, क्योंकि इस तरफ कोई रास्ता नहीं है कि मैं चल करके और निकल जाऊँ। इस तरफ से फिर हमको डायरेक्ट मखदुमपुर निकलना पड़ेगा, जो 25 किलोमीटर दूर है। तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन मैं फिर भी आपको ट्रक का कुछ झलक दिखा सकता हूँ, हो पॉसिबल। तो पेड़ के पास ट्रक लगा हुआ है, तो मिट्टी वहाँ भराई हो रहा है और इस रूट में गाड़ी वगैरह नहीं चलती है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने का। यही वो रास्ता है और यहाँ पर देखिए अभी से ही और एक ट्रक आ रही है, तो शायद हमें कुछ हेल्प मिलेगी इस ट्रक से। और यहाँ पर भी लैंड वगैरह बिकना स्टार्ट हो चुका है, तो शायद इस ट्रक से हमें हेल्प मिलने वाली है। और मैं चलूँगा इस साइड और आपको दिखाऊँगा दूर जहाँ ट्रक लगा हुआ है वहाँ का अपडेट। भैया ने हमें हेल्प दिया है, ट्रक से हम जा रहे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। हालांकि इस रूट में गाड़ी नहीं चलती है तो मेरे तरह कोई भी नहीं चलेगा, लेकिन बिहार की डेवलपमेंट है तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारा बिहार बदल रहा है, इसीलिए मैं चल रहा हूँ, ट्रक में बैठा हुआ हूँ। और लाइन से देखिए कई सारे ट्रक मट्टी लेकर के आ रहे हैं, मैं भी उसी में चल रहा हूँ। तो लाइन से कई सारे ट्रक हैं, देख सकते हैं आप ऑन ड्यूटी। ज़मीन का भी दाग मारा हुआ है। वो जो आदमी जहाँ पर है वो येलो कलर का एक ये है, वहाँ से देखिए आदमी जहाँ खड़ा है तो वहाँ से येलो कलर का लेकर के, और ये येलो येलो देखिए आप यहाँ पे, ये येलो वाला। तो इस तरीके से पूरा ज़मीन का मार्किंग है, अप्रोक्स 50 मीटर प्लस होगा। और ये जिस साइड में चल रहा हूँ इस साइड गया है। एंटी लाइट होने की वजह से वीडियो क्लियर नहीं आ रही है, लेकिन ये 72 किलोमीटर पर है बोध गया साइड से। और देखते हैं कहाँ पर मट्टी भरा रहा, अभी तो कंटिन्यू चल ही रहा हूँ, 2 किलोमीटर आगे तक जा चुका हूँ, लेकिन देखता हूँ कहाँ पर मट्टी भरा रहा है। पे देख सकते हैं आप कि मट्टी भराई का काम चल रहा है। ये हमें देख करके आप नहीं चले आए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा। ये 72 किलोमीटर है, देखिए यहाँ पर बाउंड्री मारा हुआ है, तो 72 किलोमीटर है इस साइड से, यानी आपका बोध गया साइड से। इस साइड मखदुमपुर है, बोध गया है, बोध गया है। तो ये यहाँ की लाइन मारी हुई, देखिए आप यहाँ तक होगा और उस तरफ वो जो बाउंड्री देख रहे हैं वहाँ तक, तो लगभग 60 मीटर से 70 मीटर का ये होगा। और अभी मट्टी भरा ही रहा है पूरा, देखिए आप जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा बिहार का एक ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल हाईवे, और यहाँ मिट्टी गिराया जा रहा है, देखिए। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, बहुत दूर तक सुबह से चला था तो 1 बज गया, अभी पहुँचा हूँ यहाँ, लेकिन खैर पहुँच गया। इन सब जगहों पे गाड़ी नहीं मिलती है, ये ट्रक वाले भैया ने हमें लेकर आया है, और बीच में ये शायद बीच वाला वो भाग होगा जो बीच का डिवाइडर होगा। तो पूरे तरीके से ये एक्सेस कंट्रोल है, यहाँ पर अगल बगल गाँव देहात कुछ नहीं है जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और बड़ा ही एडवेंचर लग रहा है, आप लोगों की भी लग रहा होगा, एकदम दूर तक कोई रास्ता नहीं है। ये मेन जो जगह पर हूँ मैं, जहानाबाद और इस्लामपुर को जो रास्ता कनेक्ट करती है, तो घोसी एक जगह है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के अंदर पे हूँ मैं। इनसे कई सारे ट्रक लगे हुए, देखिए आप, ये हमारे बिहार के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को मट्टी भराई का काम करने के लिए। और वाकई में हमें लगा था कि ये ब्राउनफील्ड होगा, लेकिन ये रियल, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये नहीं है कि किसी का वीडियो ये है वो है, तो ग्राउंड रिपोर्ट है जो मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखिए आप। तो जाने में भी एक भैया ने हमें साथ दिया, और फिर से मैं ट्रक पे जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त जो है कि लाइट है, तो मैं लाइट वाला जो भाग है वो दिखाऊंगा, पूरा लाइट वाला भाग है। देखिए कितना मट्टी भराता है, वो तो टाइम पर पता चलेगा। यहाँ पानी छिड़काव के लिए भी ट्रैक्टर आ चुका है, तो इस तरीके से ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन कुछ भाई लोग हैं जो साथ दे देते हैं तो और भी आसान हो जाता है हमें बिहार की डेवलपमेंट को दिखाने का, नहीं तो मैं क्या, कोई भी यूट्यूबर यहाँ पर ज़िंदगी में नहीं पहुँच पाएगा जिस जगह पे मैं आया हूँ, क्योंकि ये रोड से बहुत अंदर है। ये 4 लेन एक्सेस कंट्रोल है, ना कि 6 लेन है, तो उसी हिसाब से जगह वीडियो थोड़ी सी हिल रही है, क्योंकि हालांकि मोबाइल तो ऐसा है, लेकिन फिर भी ये रोड नहीं है, एक्चुअल में खेत में चल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन चलिए मैं फिर भी दिखाता हूँ। तो ये सब जगह भी मट्टी भरना बाकी है, देखिए। तो दूर दूर तक देखिए आप खेत खलिहान है, घर भी है जो वो काफ़ी दूर पे है, 2 किलोमीटर दूरी पे है, वीडियो में लग रहा होगा नज़दीक है लेकिन काफ़ी दूर पे है।
और पूरा इसी तरीके से फिर मट्टी भराएगा काफ़ी हाइट पे, लगभग अप्रोक्स अगर ग्रीन फील्ड है और एक्सप्रेसवे है तो अप्रोक्स 4 मीटर तो भराएगा ही भराएगा। लेकिन जैसे इसका कुछ अपडेट कंटिन्यू चलता रहेगा, मैं कंटिन्यू इसका अपडेट देता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। मतलब जो काम कर रही है वो जय भोले कंस्ट्रक्शन कर रही है, ऊपर में और भी कोई नाम हो सकता है। और दम एक रो में जिस तरीके से रोड का डिज़ाइन बना हुआ है उसी तरीके से पूरा ज़मीन है, और आपको तो नहीं दिख रहा होगा लेकिन एक लाइन मारा हुआ है येलो येलो कलर का, लेकिन फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर, जहाँ पे भी कुछ है देखिए इस तरफ येलो येलो कलर का जो बाउंड्री मारा हुआ है और इस तरफ भी येलो येलो कलर का बाउंड्री मारा हुआ है। बहुत रास्ता है यहाँ पे बना हुआ जिसके ज़रिए कि मैं ट्रक से जा रहा हूँ, हालाँकि मेन रास्ता उधर है लेकिन जहाँ रास्ता मिलता है तो चला जाता हूँ। चलिए यही मकाने वगैरह बनने लगे हैं, देखिए रेस्टोरेंट वगैरह ये कुछ भी हो लेकिन काम स्टार्ट हो चुका है। रोड इसी के जस्ट बगल से निकल रहा है, फिर उस तरफ है मेन रोड है, इस तरफ जहानाबाद है लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे, और इस तरफ है इस्लामपुर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है, घोसी है। और ये रास्ता पे मैं आपको ले गया था काफ़ी दूर जहाँ पे मट्टी भरा रहा था, और अब मैं लेकर चलूँगा इस साइड। तो यहाँ से ही पैदल चलना, इस साइड तो ट्रक नहीं चल रहा, लेकिन देखते हैं आगे जो टावर देख रहे हैं आप, ये टावर यहाँ पर कहीं पर काम चल रहा है, तो चलिए देखता हूँ क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से चलता हूँ गाँव में अपडेट देने के लिए, हमारे बढ़ती हुई बिहार, चमकती हुई बिहार की तस्वीर दिखाने के लिए। ये एक अच्छी खबर है कि अपडेट देने आया तो हमें हर तरफ सफलता मिली, और मैं दिखा रहा हूँ लगभग 71 किलोमीटर पे था, अभी 76 किलोमीटर पे हूँ, यानी पटना साइड हूँ, कच्ची दरगाह बिदुपुर साइड हूँ। और मेरा कैमरा जिस साइड है, इस साइड है मखदुमपुर और गया, और ये येलो वाला जो देख रहे हैं ये 76 किलोमीटर पे है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप पिचिंग वगैरह हुई हुई है, और सीधे जो है कि एक फ्रेम में आपको एकदम काम होता हुआ दिखेगा। और ये पूरा जगह है तो समझ सकते हैं आप अप्रोक्स 50 मीटर से प्लस ही है 60 मीटर, तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए आप 76 किलोमीटर और 200 मीटर है, ये गया साइड से है, और इस तरीके से एकदम पिचिंग हुआ हुआ है पूरे तरीके से, देखिए आप अच्छे से। मैं अभी जो ये रास्ता है ये इस तरफ जो चला जाता है कांको चला जाता है, इस तरफ इमामगंज है, उसके बाद फिर जहानाबाद जा सकते हैं, तो मैं इसी रास्ते को पकड़ करके और जहानाबाद जाऊंगा, क्योंकि इस तरफ भी उसी तरीके से पिचिंग है। मेन जो गांव का नाम है वो है काजी सराय, लेकिन इमामगंज भी बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ इसीलिए एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मालूम है, लेकिन जो लिखा हुआ मैं बता रहा हूँ, तो ये सब हाइट पर होगा। फिर दूर तक देखिए आप एकदम एक साह में ज़मीन की पिचिंग हुई हुई है, तो ये हमारे बिहार की तस्वीर है जो कि एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा बहुत सारा, लेकिन मैं पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे देख रहा हूँ अपनी लाइफ में जो आमस दरभंगा है। तो ये एक सामने देखिए आप, तो चलिए वीडियो को इन करता हूँ, फिर किसी और पार्ट में किसी और नए अपडेट के साथ मिलता हूँ। मैं इसका कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा जब तक ये कम्प्लीट नहीं हो जाए, अब लाइव ही नहीं रहा तो बात की बात है। तो वीडियो ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और मेरी मेहनत 5 किलोमीटर तक कंटिन्यू अपडेट किया, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।